फैमिली तो कैसे हो आप सब वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल आज डे फोर्टी है हमारी लॉस जर्नी का दिन की शुरुआत तो नॉर्मल ल्यूकम वाटर के साथ की थी अभी बारह बज रहे हैं मैं अपने ब्रेकफास्ट की तैयारी कर रही हूँ तो यहाँ पे मैंने लिए हैं पिंटोला के ब्राउन राइस केक पिंटोला एक बहुत ही अच्छी कंपनी है इसके प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे आते हैं तो ये अनसॉल्टेड है और एक में इसका जो एक पीस है उसमें थर्टी कैलोरीज हैं और इसमें शुगर भी नहीं है सॉल्ट भी नहीं है बिग्ड है ये फ्राइड वगैरह नहीं है ग्लूटन फ्री है यीस्ट फ्री है वेगन है कोई भी शुगर या सॉल्ट नहीं है ना ही ट्रांसफैट है इसमें और ना ही कोलेस्ट्रॉल है इससे ही मैं बनाऊंगी अपना ब्रेकफास्ट और 12 बजे मैं अपना ब्रेकफास्ट करती हूँ मैं इंटरमीडियट फास्टिंग कर रही हूँ तो मेरी 8 घंटे का वेटिंग पीरियड रहता है 16 घंटे की फास्टिंग रहती है जिसमें सबसे पहला मील 12 बजे और लास्ट मील जो है मैं 8 बजे लेती हूँ और ये बहुत ही रिच है फाइबर में तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा हेल्दी ऑप्शन है स्नैकिंग के लिए या फिर ब्रेकफास्ट के लिए तो मैं इसको किस तरीके से प्रिपेयर करती हूँ मैं आपको दिखाती हूँ तो आप ये देख लो इसके इस तरीके से एक राइस केक्स होते हैं ये बहुत ज़्यादा लाइट वेट हैं और खाने में भी अच्छे हैं मतलब ये सॉल्टेड वगैरह नहीं है पर इसको थोड़ा अच्छा बना लेंगे टेस्ट में तो मैंने इसके ऊपर पीनट बटर लगाया है यहाँ पे मैंने डॉक्टर ऑटकर का पीनट बटर यूज़ किया था आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो इसका आप इंटोला का ही जो आता है वो भी और ऊपर से बनाना स्लाइसेस लगाई हैं तो ये दो पीस लिए थे मैंने अभी तीन बज गए हैं तो मैं मेरा ले रही हूँ लंच एक्चुअली इससे पहले भी मैंने डेढ़ बजे के करीब थोड़ा सा वाटरमेलन लिया था लाइक छोटी सी कटोरी में लिया था ज़्यादा नहीं लिया था तो वो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई तो मैं दिखाई नहीं पाई अभी थोड़ा सा आपको अंधेरा लग रहा होगा तो मैं थोड़ा टॉर्च ऑन कर देती हूँ तो मैंने रागी की रोटी ली है ये स्प्राउटेड रागी के आटा से बनी हुई रोटी है साथ में मैंने सब्जी ली है कढ़ी ली है और काफ़ी सारा सैलेड लिया है आपने देखा होगा मैं हमेशा अपनी मील में सैलेड जो है ज़्यादा से ज़्यादा इंक्लूड करती हूँ काब्स की अमाउंट कम रखती हूँ और फाइबर ज़्यादा रखती हूँ तो इस तरीके से आपका पेट भी भर जाएगा और अपनी मील्स को पोर्शन को कंट्रोल भी कर सकते हो शाम में पाँच बजे के करीब बहुत ही अच्छा मौसम हो रहा था तो मैंने एक कप चाय ले ली थी तो ये चाय जो है एकदम शुगर फ्री है मतलब मुझे एकदम शुगर फ्री तो अच्छी नहीं लगती पर ले ली थी एक्चुअली मैं डालना भूल गई थी मैं रिफाइंड शुगर वगैरह का यूज़ नहीं करती हूँ नेचुरल स्वीटनर होता है एक स्टीविया मैं उसका यूज़ करती हूँ तो वो मैं डालना भूल गई थी इसमें मैंने सोचा था बाद में डालूंगी तो आप वो चाय तो डाल सकते हो पर मैंने पी ली थी अभी मैं डिनर की प्रिपरेशन कर रही हूँ आठ बज गए हैं तो मैं बना रही हूँ डिनर में उत्तपम वेजिटेबल उत्तपम तो इसकी रेसिपी अगर आपको चाहिए तो मैं शेयर कर दूंगी बाकी ये बहुत इजी है इसको बनाना मैंने बहुत सारी वेजीज वगैरह यूज की है इसको बनाने के लिए ऊपर से मैंने इसमें डाला है अनियंस डाले थे कैप्सिकम ग्रीन चिली बीटरूट एंड थोड़ा सा पनीर भी डाला था और जो मेरे चैनल पे नए हैं जिन्हें नहीं पता है मैं बताना चाहती हूँ कि मैंने अपना इसी डाइट को फॉलो करके थर्टीन के जी करा है अपना पीसीओएस में जैसे कि पी में वेट कम करना भी मुश्किल होता है और वेट बढ़ता भी जाता है तो जो लोग पी से थारॉइड से सफ़र कर रहे होंगे उनको पता होगा कि कितना डिफ़िकल्ट होता है इसमें वेट कम करना तो जस्ट 30 मिनट दिन में एक्सरसाइज़ और ये डाइट फॉलो करके ही मैंने अपना वेट कम किया है अब सबकी बॉडी अलग तरीके से रिएक्ट करती है तो ज़रूरी नहीं कि जो मैं बता रही हूँ आप वही खाओ लेकिन आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि किस तरीके से हमें काब्स कंट्रोल करने हैं फाइबर ज़्यादा रखना है किस तरीके से अपनी मील्स पोर्शन किस तरह से लेना है तो बस यही एक आइडिया देना चाहती हूँ मैं थोड़ा सा और मुझे कुछ लोगों ने कमेंट किया था कि आप इरेगुलर पीरियड से रिलेटेड कोई वीडियो बनाओ तो मैं पहले यही सजेस्ट करूंगी कि आप अपनी अच्छी किसी गायनाकोलॉजिस्ट को दिखाओ अगर आपको पीसीओएस है थायराइड है कोई भी प्रॉब्लम हो सकता है आपका ब्लड शुगर ज़्यादा हो सकता है तो उसके अकॉर्डिंग फिर वो अपना ट्रीटमेंट देंगे और साथ में आपकी डाइट फॉलो करो और तीस मिनट कम से कम योगा एक्सरसाइज या फिर वॉकिंग ज़रूर करो क्योंकि हम अंदर से जब फिट रहेंगे तो हमारी प्रॉब्लम्स भी मोस्ट ऑफ़ द प्रॉब्लम जो है वो ज़्यादा वेट होने की वजह से ही होती हैं तो मैंने ये दो साइज़ के चीले भी यहाँ पे ले लिए लिए हैं हैं मतलब ये उत्तपम ले हैं, वेजिटेबल वाले मुझे बाद में लग रहा था कि मैंने बीटरूट थोड़ा थोड़ा ज़्यादा ही डाल दिया इसमें मीठा मीठा टेस्ट आ रहा था बट चलो ठीक है इतना बुरा नहीं लग रहा था खाने में पर आप बीटरूट थोड़ा कम डालना अगर डालो तो और अगर आपको डाइट से रिलेटेड कोई डाउट है कुछ पूछना है कोई कंसर्न है या आपको मेरी वेट लॉस जर्नी के बारे में कुछ और जानना है तो आप एकदम फ्री होकर कमेंट कर सकते हो मैं सभी कमेंट्स पढ़ती हूँ सभी का रिप्लाई करती हूँ मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग मुझे कमेंट्स करते हैं और बहुत से लोग वीडियो देखते हैं लेकिन लाइक और सब्सक्राइब नहीं करते तो अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी यूज़फुल लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना और अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर भी करना तो मैं डिनर के एक घंटे बाद ग्रीन टी ले रही हूँ डिनर के एक घंटे बाद ग्रीन टी लेना आप लेकिन सोने से जस्ट पहले मत लेना क्योंकि स्लीप साइकिल को डिस्टर्ब करेगा कैफेन होता है इसमें मैं आठ बजे डिनर करके नौ बजे तक ले लेती हूँ क्योंकि मेरा सोना बारह एक बजे तक होता है तो फिर मेरे लिए परफेक्ट बैठता है ये टाइमिंग और आप कोई हर्बल टी वगैरह भी ले सकती हो इसकी जगह पर तो आज के लिए बस इतना ही मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में टेक केयर बाय